कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान पढ़ रहे हैं। इकाई 7 गृहिणी एक उपभोक्ता के रूप में। इसमें हम अभी पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के साधन क्या है। तो उपभोक्ताओं की समस्याओं और अधिकारों और उनके उत्तरदायित्वों का अध्ययन करने के बाद उपभोक्ता के साधनों पर विचार करेंगे जिनसे यह उपभोक्ता उचित वस्तुओं का चयन कर सके और उनका उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उपभोक्ता साधन वे औजार हैं जो उपभोक्ताओं को सही उत्पादन चुनने और खरीदने में सहायक होते हैं। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ मुख्य साधन इस प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के साधन 4 हैं। पहला है मानक संस्थाएं एवं उनके प्रामाणिक चिन्ह, जैसे कि एगमार्क हो गया, ISI। फिर है दूसरा लेबल, तीसरा उनकी पैकेजिंग और चौथा विज्ञापन। अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले उपभोक्ता का साधन मानक संस्थाएं और उनके मुख्य प्रामाणिक चिन्ह, जैसे कि घर में काम आने वाली वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रामाणिक चिन्ह उपभोक्ताओं के हितों के लिए दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ISI, दूसरा PFA, एगमार्क और FPO। ये क्या है? ये सारी मानक संस्थाएं हैं जो उपभोक्ता संरक्षण और उनके पदार्थों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने इन मानक संस्थाओं की स्थापना की है। सबसे पहले हम देखेंगे ISI। आपने बहुत सी वस्तुएं जो खरीदी होंगी उनमें ISI का मार्क्स ऐसा जो है वो लिखा देखा होगा। तो कुछ खाद्य पदार्थों के मानक ISI तथा एगमार्क द्वारा निर्धारित होते हैं। इन मानकों द्वारा उच्च श्रेणी के पदार्थ बनाने वाले उत्पादक ISI और एगमार्क प्राप्त करके अपने उत्पादकों का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भारतीय मानक संस्था ISI द्वारा निम्न खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से खाद्य पदार्थ हो गए? इसमें पेय पदार्थ हैं, कुछ बेकरी का आइटम है, कुछ मिठाइयां हैं, अनाज हैं, दालें हैं और उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे कॉफी, डेयरी उत्पाद, कोको पाउडर या कोको उत्पादन, फल और कुछ सब्जियां जैसे मांस, कुक्कुट उत्पाद, चाय और चीनी से निर्मित सामान, ये सभी ISI द्वारा निर्धारित किए गए मानक एक वाले खाद्य पदार्थ। अब इनमें से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका निर्यात भी किया जाता है। तो ऐसे निर्यात किए जाने वाले मानक भी ISI द्वारा किया जाता है। ISI द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित मानक पदार्थ जैसे शरबत, सिरका, अचार, पेय पदार्थ, जैम, जेली, मुरब्बा, टमाटर से निर्मित पदार्थ, चटनी, जमाकर फल, सब्जियां, निर्जलित फल एवं सब्जियां, आलू और सब्जी से निर्मित पदार्थ आदि, ये सारी चीजें ISI द्वारा बाहर निर्यात की जाती। भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार इस संस्थान को भारतीय मानक संस्थान
स्वभाव के अंतर्गत प्रदान किए गए। अतः वस्तुओं को क्रय करते समय या खरीदते समय यह देखना चाहिए कि उन पर आने संचिन्ह है या नहीं। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह होता है वे सभी वस्तुएं उत्तम कोटि की या बहुत अच्छी किस्म की होती हैं। अब आप इसी में आगे देखेंगे। PFA खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावकारी ढंग से FPO कानून नियंत्रित करने में सफल नहीं रहा। तब भारत सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 को यह केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कानून बनाया। क्यों? क्योंकि FPO कानून यह नियंत्रित करने में असफल रहा तो 1954 को यह बनाया। जिसे संक्षेप में FPFA कहते हैं। यह अधिनियम 19 सितंबर 1954 को लागू हुआ और इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ में मिलावट एक सामाजिक अवसाद है। और इस कानून का उद्देश्य जनता को शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। इसके बाद है यह भारत सरकार द्वारा मार्केटिंग इंस्पेक्शन निदेशालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत अनाज मसाले तेल आदि की गुणवत्ता की कृषि उपज वर्गीकरण अधिनियम 1937 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। इनमें वस्तुओं को उनकी शुद्धता और गुणवत्ता किया जाता है। यह श्रेणियां 1, 2, 3, 4 या विशिष्ट उत्तम ठीक है साधारण है मध्यम है नहीं जाती है। जिन्हें यह स्तर प्रदान किया जाता है उन पर एगमार्क का चित्र लगाया जाता है और यह चिन्ह सामान्यतः खाने के तेल की मक्खन आदि पर देखा जा सकता है। अब ये कुछ प्रामाणिक चिन्ह है और उनकी उत्पादन की हुई वस्तुओं की सूची। तो ISI सबसे पहले ISI मार्क भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 15,000 से अधिक स्तर क्वालिटी मापक उपलब्ध कराए गए हैं। इसका ये चिन्ह है जो आप देख रहे हैं ISI मार्क। अब ये कहाँ कहाँ सब्जी फल मांसाहार संरक्षित भोज्य पदार्थों में साबुन डिटर्जेंट पेपर पेंट नॉन स्टिक बर्तन इलेक्ट्रिक उपकरण सीमेंट LPG गैस और सिलेंडर ये सभी उत्पाद जिनमें की ये ISI मार्क आपको दिखेगा। फिर भी दूसरा एगमार्क करीब 142 कृषि बागवानी जंगलों से प्राप्त उत्पादों पर यह चिन्ह अंकित किया जाता है। आप देख रहे हैं एगमार्क का निशान। यह कहाँ कहाँ मिलेगा? आटा बेसन चावल दालों की तेल मक्खन फल सब्जी गोल मसाले शहद अंडे इत्यादि। FPO इसमें सभी निर्माताओं को अपने फल सब्जियों के उत्पाद के लिए एक निर्धारित स्तर पूरा करने के बाद FPO का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ये है FPO का मार्ग। और यह अचार जैम फ्रेश सॉस फल ठंडे पे आइसक्रीम और अन्य डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर आपको FPO का चिन्ह दिखाई देगा। अब है हॉलमार्क भूल मार्क। यह उन्हीं उत्पादों में शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह है। उन्हीं वस्तुओं के लेबल सब्जी फल मांसाहार संरक्षित भोज्य इस पर चिन्ह के साथ यह प्रमाणीकरण भी लिखा होना चाहिए कि सूत व अन्य प्रकार का धागा उनके कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है। भूल मार्क सिर्फ ऊन और उन्हीं में लाया जाता है।
को मार। यह प्रतीक गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी अभी प्रारंभ किया। ये उन्हीं वस्तुओं के लिए किए जाते हैं जिन्हें ISR मार्क प्रदान किया गया है, उन्हें ही इको मार्क प्रदान किया जाता है एवं उन्हें पुनः इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह पदार्थ पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं और प्रदूषण को रोकने में सहायक। यह ISI मार्क और ISI द्वारा ही यह इको मार्क दिया है। तो खाने के तेल, चाय की कॉफी, पेय पदार्थ, संरक्षित खाद्य सामग्री, साबुन, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेन, बैटरी, पैकिंग सामग्री, लकड़ी का सामान आदि, इन सब में यह इको मार्क का दिखाई दे सकता है क्योंकि यह ISI द्वारा इसको अभी अभी प्रारंभ किया या शुरू किया गया है।